दोस्तों फाइनली थोड़े लंबे समय तक टीज होने के बाद Realme 6 Pro लॉन्च हो गया है 16999 के प्राइस में और हमने Realme के इस नए प्रो पर PUBG टेस्ट भी किया ये देखने के लिए कि कैसे परफॉर्म करेगा Snapdragon 720G पावर चिपसेट साथ में इसका बैटरी ड्रेन ग्राफिक्स फ्रेम रेट और भी काफी कुछ बताया तो बने रहिए वीडियो में मेरे यानी आदित्य के साथ वेलकम बैक टू स्मार्ट ट्रिक्स एंड यू ऑलरेडी नो इट्स गेम टाइम। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा रिव्यू यूनिट 8GB 128GB वेरिएंट है और ये रहा इसका एंड-टू-एंड बेंचमार्क स्कोर आपके सामने स्क्रीन पे। साइड बाय साइड Realme 6 का स्कोर भी है जो कि इससे ज्यादा है। इसके अलावा 6GB 64GB और 6GB 128GB वेरिएंट्स में ये फोन अवेलेबल भी है। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। बैटरी ड्रेन दिखाने के लिए इनिशियल रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो अभी इसकी 4300 mAh बैटरी 96% पर है। जल्दी से इनिशियल टेम्परेचर भी ले लेते हैं। पीछे से 31.4 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है और आगे से 32 डिग्रीज की रीडिंग देखने को मिल रही है। वीडियो के आखिर में इसका बैटरी ड्रेन और टेम्परेचर चेंज दोनों बताएंगे आपको। अब चलिए Realme गेम स्पेस में जाकर इसे टॉगल करते हैं कॉम्पिटिटिव मोड पर ताकि मैक्स ग्राफिक्स बूस्ट हो और फोन थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए। ग्राफिक्स सपोर्ट की बात करें तो PUBG इसमें आप मैक्स HD ग्राफिक्स में हाई फ्रेम रेट पर खेल सकते हैं, वहीं स्मूथ ग्राफिक्स में अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल जाएगा, मगर हम HD हाई पर ही खेलेंगे एक क्लासिक मोड जो कि 30 से 35 मिनट चलेगा और एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसी प्रोसेसिंग है इसकी। लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए थोड़ा बहुत टाइम हो गया मुझे खेलते हुए और अब तक इसमें PUBG मुझे ठीक ठाक लगा, कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा। 6.6 इंचेस की स्क्रीन की वजह से बिगर डिस्प्ले एरिया ज़रूर मिल जाता है तो आप एनिमीज इजीली स्पॉट कर पाएंगे। ग्राफिक्स रेंडरिंग की बात करेंगे तो Snapdragon 720G डज अ प्रीटी फेयर जॉब। टॉप ऑफ द गेम ग्राफिक्स तो नहीं है मगर हाँ गेम प्ले इज लाइकेबल, गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन इज नाइस, कोई विजिबल एज सच लैग्स नहीं दिखे। 30 FPS का फ्रेम रेट मिल जाता है जो कि Realme 6 से कम है, उसमें आप 40 FPS पर गेम खेल सकते थे MediaTek Helio G90T की वजह से। यहाँ आप खुद भी वीडियो देख के गेम प्ले को थोड़ा जज कर सकते हैं, टेक अ लुक। तो कैसा लगा गेम प्ले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसेंशियल्स की या एक्स्ट्रास की। तो 3.5mm जैक रिटेन की गई है इसमें। लो बैटरी के दौरान आप चार्जिंग और गेमिंग के लिए हेडफोन्स एक साथ यूज़ कर पाएंगे। तो ऑलमोस्ट गेम ख़त्म होने पर आ गया, बहुत ही कम लोग बचे हैं। चलिए चिकन डिनर के लिए पुश करते हैं और ये रही फाइनल किल एंड यस चिकन डिनर जीत गए हम। फ़ोन भी थोड़ा बहुत हीट ज़रूर हुआ है, देखते हैं कितना चेंज आया है। तो पीछे से यहाँ 38.2 के अराउंड टेम्परेचर दिख रहा है मुझे। चलिए आगे से देखते हैं, 39.6 की रीडिंग दिख रही है, यानी लगभग 8 डिग्रीज का चेंज है 30 या 31 मिनट के अराउंड, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि अब ऑलमोस्ट गर्मियाँ आई गई हैं। बैटरी लेवल पर नज़र डालेंगे तो 86% है। इनिशियली हमने 96% पर स्टार्ट किया था, 10% लॉस है जो कि एवरेज है, दिस इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। और इसे आप मीडियोकर गेमिंग के लिए चूज़ कर सकते हैं, हम एक्सट्रीम गेमिंग के लिए ये फ़ोन ना रिकमेंड करके Realme 6 को रिकमेंड करेंगे। हमने Realme 6 पर भी PUBG गेम प्ले ट्राई किया था, वीडियो का लिंक को आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा, बाकी सारे रिलेवेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली।